हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं अपनी भारतीय वेशभूषा के बारे में बताना चाहती हूँ। इस वीडियो को देखें और एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर टाइप करते जाएं। आज का टॉपिक है भारतीय वेशभूषा। भारत में भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न प्रकार की वेशभूषा पहनी जाती है। हमारी वेशभूषा मौसम पर निर्भर करती है। सर्दी के मौसम में हम ऊनी तथा गर्म वस्त्र पहनते हैं, जिससे हमें ठंडी ना लगे। ठंडी से बचने के लिए हम ऊनी और गर्म वस्त्र पहनते हैं। और गर्मी के मौसम में हम सूती तथा हल्के रंग के वस्त्र पहनते हैं। बरसात के मौसम में हम रबड़ के जूते, बरसाती और छाती का बालियानकोट का प्रयोग करते हैं। पुरुषों की वेशभूषा। हमारे देश में पुरुष अलग अलग प्रकार की वेशभूषा पहनते हैं। देश के लगभग कुछ क्षेत्रों में पुरुष धोती पहनते हैं, परंतु आजकल पैंट कमीज, जीन्स पैंट, कोट और टी शर्ट आदि का प्रचलन अधिक है। स्त्रियों की वेशभूषा। भारत में स्त्रियों की वेशभूषा अनेक प्रकार की है। भारत में अधिकतर स्त्रियां साड़ी पहनती हैं। साड़ी बांधने का ढंग अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। फिरन क्या है, तो फिरन के बारे में आप लोग सुने। कश्मीर में स्त्रियां सलवार के ऊपर जो ढीला ढाला कुर्ता पहनती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फिरन कहते हैं। यह गर्म होता है, इसे सर्दी के मौसम में ठंड से बचने के काम आता है। राजस्थान की वेशभूषा क्या है, यहाँ की स्त्रियों की वेशभूषा घाघरा कुर्ता है। केरल में स्त्रियों की वेशभूषा क्या है, लहंगे के साथ मुंडू ब्लाउज पहनती हैं। और अधिकतर बच्चों की वेशभूषा रंग बिरंगी होती है। पंजाब में स्त्रियों की वेशभूषा सलवार सूट पहनती हैं। जैसे ये कुछ एक्सरसाइज दी है हमने, एक्सरसाइज में हमने खालिस्तान, मिलान, सही गलत, क्वेश्चन आंसर दिए हैं, तो उनको आप पढ़ेंगे और कॉपी पर राइट करेंगे। जैसे पहला खालिस्तान है, देश के कुछ क्षेत्रों में पुरुष क्या पहनते हैं, तो धोती। यहाँ आपको क्या बनना, धोती। भारत में अधिकतर स्त्रियाँ क्या पहनती हैं, तो क्या पहनती है अभी हमने पढ़ाया है, तो साड़ी। बच्चों की वेशभूषा कैसी होती है, अभी हम पढ़ा चुके, रंग बिरंगी। कश्मीर में स्त्रियाँ सलवार के ऊपर ढीला ढाला कुर्ता पहनती हैं। अब यहाँ ये सही गलत हैं। फिरन सर्दी के मौसम में ठंड से बचने के काम आती है। सही है, गलत है, आप पाठ पढ़ के करेंगे। केरल की स्त्रियों की वेशभूषा सलवार सूट है। सही है, गलत, ये आप समझेंगे और लिखेंगे। गर्मी के मौसम में सूती वस्त्र पहनते हैं। हमें हमेशा साफ सुथरी वेशभूषा पहननी चाहिए। अब कुछ मिलान है। मुंडू ब्लाउज केरल में पहनते हैं। सलवार सूट पंजाबी वेशभूषा है। बच्चों की वेशभूषा रंग बिरंगी है। सर्दियों में गर्म वस्त्र पहनते हैं। अब कुछ क्वेश्चन है, सर्दी के मौसम में हम कैसे वस्त्र पहनते हैं, तो सर्दी के मौसम में हम गर्म तथा ऊनी वस्त्र पहनते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, फिर हम किसे कहते हैं, तो कश्मीर में स्त्रियाँ सलवार के ऊपर जो ढीला ढाला कुर्ता पहनती हैं, उसे हम फिरन कहते हैं। राजस्थान में स्त्रियों की वेशभूषा कैसी है, तो राजस्थान में स्त्रियों की वेशभूषा घाघरा कुर्ता है। गर्मी के मौसम में हम कैसे वस्त्र पहनते हैं, तो गर्मी के मौसम में हम सूती तथा हल्के रंग के वस्त्र पहनते हैं। बरसात के मौसम में किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, तो बरसात के मौसम में हम रेनकोट, छाता, बरसाती जूते आदि का प्रयोग करते हैं। अब हम अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।